वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल, मैं राकेश कुमार। आज की वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा केबल टीवी के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आप केबल टीवी यूज करते हैं तो आने वाले दिनों में केबल टीवी के साथ साथ आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी मिल जाएगा उसी वायर के थ्रू। पूरी जानकारी के लिए बने रहे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में बताता हूँ। जैसा कि दोस्तों बता दूँ, इस लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे लोग अपने घर से ही वर्क फ्रॉम होम जॉब कर रहे हैं, तो इसी चीज़ को देखते हुए और ग्राहकों का जो स्टैटिकल जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग जो सब्सक्राइबर है केबल टीवी के लिए अलग से कनेक्शन, साथ ही ब्रॉडबैंड के लिए अलग से कनेक्शन रखे हुए थे, तो इसी नज़र को देखते हुए सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से एक गाइडलाइन तैयार किया गया है। उस गाइडलाइन के अंतर्गत केबल टीवी और ब्रॉडबैंड कनेक्शन एक ही वायर के जरिए ग्राहकों को मिलना शुरू हो जाएगा। आने वाले नेक्स्ट वीक में DCCI इस पर बहुत बड़ा फैसला लेने वाला है। बेसिकली इस पर मुद्दा ये है कि लोगों को केबल टीवी और जो ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी है जो अलग अलग लेना पड़ता था, जिससे उन्हें एजीआर टैक्स साथ ही पेनिट्रेशन भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता था, जिस वजह से यहाँ पर सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक नया गाइडलाइन तैयार करा है जिसके तहत दोनों फैसिलिटीज़ एक ही नेटवर्क के द्वारा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों बता दूँ, कुछ दिन पहले एजीआर टैक्स केबल टीवी पे भी लागू करने के बारे में कहा गया था, लेकिन केबल टीवी नेटवर्क्स ने इस बात के लिए राजी नहीं हुए थे, जिस वजह से अब ब्रॉडबैंड और केबल टीवी दोनों एक साथ मर्ज करके एक ही एजीआर के पेनिट्रेशन के साथ मिल सकता है इसके सर्विसेज, जिससे लोकल केबल ऑपरेटरों को भी फ़ायदा होगा और कहीं ना कहीं MSO को भी फ़ायदा होने वाला है। बेसिकली अगर ग्राहक किसी का केबल टीवी यूज कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसी का ब्रॉडबैंड फैसिलिटी भी अगर अवेलेबल होगा तो ग्राहक जरूर लेगा। अगर आए दिन क्या होता है कि किसी घरों में किसी नेटवर्क का केबल टीवी यूज कर रहे हैं, किसी दूसरे कंपनी का ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हैं, तो जिससे वायर भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पर सूचना प्रसारण मंत्रालय ने गाइडलाइन तैयार करा जिसके तहत आपको केबल टीवी ब्रॉडबैंड दोनों फैसिलिटी एक ही बिल में मिलना शुरू हो जाएगा। तो आने वाले नेक्स्ट वीक में इसे पे हरी झंडी मिल सकती है DCCI के तरफ से। और साथ ही दोस्तों मैं बता दूं कि अभी के टाइम पे डेन केबल है, हैथवे केबल है, सिटी केबल है, जो ऐसी फैसिलिटीज़ लेकर मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, जिनके पास केबल टीवी और ब्रॉडबैंड सारी फैसिलिटीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम उन छोटे नेटवर्क्स को भी हो सकता है, छोटे इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स के पास हो जाता है जो सिर्फ केबल टीवी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उनके पास ब्रॉडबैंड ना हो, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लेकिन आने वाले दिनों पर इस पर पूरी तरीके से सूचना प्रसारण क्या क्या गाइडलाइंस में क्या क्या पॉइंट्स हैं वो डिक्लेयर होने वाला है। फिलहाल ये अपडेट आ रहा था सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से कि केबल टीवी और ब्रॉडबैंड सर्विसेज ग्राहकों को एक ही केबल के जरिए आने वाले दिन में मिलने वाला है। उम्मीद है दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स लॉट।